लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अब डीलाली सहित 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। NDRF की 89 टीमें तैनात। नई दिल्ली, उत्तम हिंदू यूज, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 89 टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। NDRF की ओर से शनिवार को बताया गया कि इन राज्यों में बारिश के दौरान बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में 45 टीमों को तैनात कर दिया गया है। बाढ़ की आपदा के दौरान किसी भी संभावित स्थिति से निपटने में सक्षम और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त राहत एवं बचाव कर्मियों को इन टीमों में शामिल किया गया है। NDRF की सूचना में बताया गया है कि अभियान के तहत सबसे ज्यादा असम में 12 टीमें, बिहार में 7, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 4-4 तथा अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में 3-3 टीमें भेजी गई हैं। दिल्ली और पंजाब में 2-2 एवं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में 1-1 टीम भेजी गई है। NDRF की इन टीमों ने असम सहित अन्य राज्यों में बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से अब तक 13,550 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। साथ ही इन इलाकों में स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ मिलकर स्कूल तथा अन्य स्थानों पर बाढ़ की स्थिति से निपटने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने शनिवार से लेकर 9 जुलाई तक कोंकण एवं गोवा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मराठवाड़ा क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक के तटीय और भीतरी इलाकों एवं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका व्यक्त की है। वहीं राजधानी दिल्ली में आज दोपहर बाद कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी।